थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी है 5 × 10⁻¹⁴ है सेकेंड इनवर्स अपॉन एन, जो 1 × 10⁻¹⁴ सेकेंड इनवर्स फ्रिक्वेंसी इसने दी है कि लाइट इज फोकस्ड, ठीक है, तब तो देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो हम जो इसमें अप्लाई करेंगे ना, वो क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, जो फॉर्मूला है हमारा आइंस्टाइन का जो रिलेशन है वो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, यही होता है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, एच की जो वैल्यू है आपको दी हमें पता है 6.6 × 10⁻³⁴ होती है, ठीक है, इंटू यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो आपको दी है 1 × 10⁻¹⁴ कितना है 14, माइनस इसकी वैल्यू आपके पास है 5 × 10⁻³⁷ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 10 कंसीडर करके पावर पावर क्या होंगी वो सेम इक्वल में आ जाएंगी 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10, तो 10 − 5 करोगे तो 5 बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻³⁴, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास 10⁻³⁰, ठीक है, 5 × 10⁻³। तो 5 को जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.3 के वो अप्रॉक्स वैल्यू देगा, माइनस यहाँ पे कितने बचेंगे, अब 13 इसमें से आप माइनस कर दो तो 21 आपका बच जाएगा, तो 3.3 × 10⁻²⁰ जो है यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।